गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मापत। और आप देख रहे हैं आरसू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अर्चिका रहती है, वो अपने बर्थडे पे अकेले रहना चाहती है, बट उसके बर्थडे पे कोई उसको अकेला छोड़ना ही नहीं चाहता था। बर्थडे के दिन पे जहाँ पर ईरा उसे बोलती है कि वो बर्थडे पे उसके साथ रहे, वहीं पर शनाया भी ये कहती है कि उसे बर्थडे उसके साथ रहना है। अब अर्टिका का मन तो नहीं करता है, पर कहते हैं ना, जब इंसान प्यार में होता है तो वह अक्सर हर चीज़ मानने के लिए तैयार हो जाता है। और यही बात ऐसी होती है, जब शनाया उसे कन्विंस करती है कि उसे बर्थडे के लिए रुकना है, तब वो नहीं रुकती है, पर ईरा के कहने पे वो रुकने के लिए तैयार हो जाती है। सेम रूटीन वैसी चलता रहता है। 7 बजे जब वो इंजेक्शन लगा कर जाती है, तब उसके बाद जो अर्टिका और ईरा, वो दोनों अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जहाँ पर ईरा अर्टिका को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे जाती है, पर अर्टिका को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि यही एक लॉन्ग ड्राइव पर एक बार उसके साथ हादसा हो चुका है। और जब उसके साथ ये हादसा होता है, उसकी वजह से उसके माइंड में ना ये सब चीज़ें रह जाती है। तो ईरा ये करती है कि उसके माइंड को हटाने के लिए वो उसके साथ कुछ लवी टवी मोमेंट्स बिताती है। वो दोनों काफ़ी करीब होते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार से एक दूसरे के करीब हो रहे रहते हैं, जिसमें ईरा कहती है, अर्टिका मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें हमेशा से खुश दिखना चाहती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि ये लॉन्ग ड्राइव पे तुम आना नहीं चाहती थी, पर ये लॉन्ग ड्राइव पे मैं लेकर आकर तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ में ना एक बार इंसिडेंट होते रहते हैं, बट उस इंसिडेंट की वजह से हम डर के नहीं बैठते ना, तो इसलिए मैं तुम्हें ये डर हटाना चाहती थी। तो मुझ पर ट्रस्ट करती हो, मैं जिंदगी में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अर्टिका ईरा की तरफ देख के बोलती है, तुम भी मुझ पर आँख बंद करके विश्वास कर सकती हो, मैं ना तुम्हारा कभी भरोसा तोड़ूंगी और ना तुम्हें कभी चीट करूंगी, और साथ ही साथ तुम हमेशा मेरे साथ रह सकती हो। अर्टिका और ईरा एक दूसरे की आंखों में बेहद तरीके से देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद जो ईरा रहती है, उसकी नज़रें अर्टिका के लिप की तरफ जा रही रहती है, और ईरा की भी नज़रें अर्टिका की भी नज़रें लिप की तरफ जाती है ईरा के, और ईरा की भी नज़रें अर्टिका के लिप की तरफ जाती है। दोनों एक दूसरे के लिप को काफ़ी अच्छे से देख रहे थे और दोनों थोड़ी देर में उस लिप को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों काफ़ी पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। उनके किस में एक अलग ही एहसास रहता है। दोनों बहुत प्यार से पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। थोड़ी देर में वहाँ से एक गाड़ी जाती है और वो हॉर्न बजा देती है। दोनों को रियलाइज़ होता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आगे वो लोग पब्लिकली इतने ज़्यादा वाइल्ड नहीं हो सकते हैं। थोड़ी देर में अर्टिका के ऊपर से ईरा उठती है और अपनी जो ड्राइविंग सीट पे होती है वहाँ जाके बैठ जाती है। ईरा अर्टिका थोड़े अपने कपड़ों को संभालती है और जो उसने पैंट की जिप्स, मतलब जीन्स की जिप्स ऊपर ओपन थी और जो बटन्स ओपन थे उसे कवर करती है, और फिर थोड़ा जो अपने गाड़ी का जो पीछे का जो उसने लेटा दिया था, तो उस गाड़ी को सीधा करके आराम से बैठती है। थोड़ी देर के बाद अर्टिका कहती है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो ईरा कहती है कि हाँ। थोड़ी देर में ये लोग फिर से गाड़ी की लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। इस बार जब वो लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे रहते हैं, तो वो बहुत ब्यूटीफुल सी प्लेस रहती है, मतलब आजू बाजू पूरे तरीके से लाइटिंग्स रहती है, हर एक तरीके से बहुत ब्यूटीफुल जगह रहती है, हर जगह कुछ ना कुछ हरियाली रहती है और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस ही। कहते हैं ना, जैसे रोड एकदम क्लीन होता है तो ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो वो लोग इस तरीके से कर रहे रहते। थोड़ी देर आगे जाने के बाद एक कोने पे उन्हें एक आइसक्रीम का ठेला दिखता है, मतलब एक स्टॉल भी कह सकते हो, आइसक्रीम का स्टॉल दिखता है। तो वहाँ पर जो ईरा रहती है गाड़ी को साइड में लगाती है और वहाँ से उतरती है। तभी अर्टिका उसे पूछती है, कहाँ जा रही हो तुम? तो वह कहती है, कम ऑन बेबी, जस्ट रिलैक्स। और ऐसे कह के वो उतरती है और वो अपने मतलब उसने भी जीन्स पहनी रहती है, तो अपने पॉकेट से पैसे निकालती है और दो आइसक्रीम लेती है, दो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेती है और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम दे के देती है। तभी अर्टिका बोलती है, इतनी रात को आइसक्रीम, मेरा मूड तो नहीं था। तो वो कहती है, ठीक है फेंक देती हूँ यहाँ पर। तो ऐसे कह के वो फेंकने ही वाली रहती है, तभी ईरा का हाथ पकड़ के अर्टिका कहती है, मैं मजाक कर रही थी, लाओ तो। और ऐसे कह के वो खाने लगती है। दोनों गाड़ी में बैठ के आराम से आइसक्रीम खा रहे रहते हैं।
तो जब आइसक्रीम खा रहे रहते हैं तो ईरा के जो लिप्स के वहां पर आइसक्रीम्स बहुत ज्यादा लग जाती है, तो अधिका उसके लिप्स की तरफ दिख रही रहती है और उसके जो लिप्स है वहां से थोड़ा ना थोड़ा मतलब जा रहा था। तो अधिका एकदम से बोलती, ईरा इधर आओ। तो ईरा थोड़े से पास आके बोलती, क्यों आइसक्रीम अच्छी नहीं है क्या? तो कहती, इधर तो आओ। और ऐसे आके वो एक टंग से, टंग मतलब जो अतिका रहती है वो करीब आके अपना टंग से जो ईरा के लिप्स के वहां पर जितनी भी आइसक्रीम रहती है वो उसे सब सक कर लेती है और धीरे से वहां पर चूमते हुए कहती है, अब ठीक है। तभी ईरा थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती है, अतिका यहाँ पे भी पर्सन भी हैं। तो वो कहती है, तो क्या हो गया, प्यार किया तो डरना क्या? तो ईरा थोड़ी सी शर्मा जाती है और बोलती है, पहले तो मैं यहाँ से गाड़ी हटाती हूँ। और फिर वो अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए जाती है। अच्छी स्पीड में गाड़ी ड्राइव करने के बाद वो लोग आगे की तरफ जाते हैं जहाँ पर एक छोटा सा आर्टिफिशियल फाउंटेन होता है जो वहाँ पे बनाया जाता है। वो आर्टिफिशियल फाउंटेन के वहाँ पर वो लोग गाड़ी को साइड में करते हैं और वहाँ बैठ के बैठते हैं। और तभी ईरा कहती है, अतिका हम इतने टाइम से साथ में हैं। तो वो कहती है, हमारी एक भी सेल्फी नहीं है और मैं इस पूरे टाइम पे कुछ सेल्फी लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इन सारे मोमेंट्स को कहीं ना कहीं की ये फोटोज के चक्कर में कैद कर लूँ। तभी अतिका कहती है, मुझे फोटोज खिंचवाना पसंद नहीं है ईरा। तभी ईरा कहती है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, और एक बात मुझे बताओ, कल जाके जब तुम्हारे लेग सही हो जाएंगे तुम पहले जैसी ही हो जाओगी। ये जो व्हील चेयर पे हो इसके भी कुछ हैप्पी मोमेंट्स तो याद रख लो, क्योंकि मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ ये बुरा हुआ है लेकिन मेरा मिलना ये तो बुरा नहीं है ना, हमारे जो ये लम्हे हैं ये तो बुरे नहीं है ना। कम ऑन, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू एंड ऑल्सो क्रिएट अ मेमोरीज, सो प्लीज अलाउ मी। तभी अतिका के पास इतने प्यार से ईरा कहती है, तो अतिका के पास कुछ जवाब नहीं रहता, वह कहती है ठीक है और वो सेल्फी खींचती है। तभी वहां से वो व्हील चेयर निकालती है और उस व्हील चेयर से अतिका को वहां पर बिठाती है, और बिठाने के बाद वो बहुत प्यार से वो फाउंटेन के वहां पे अतिका और ईरा, अतिका वहां पर बैठती है तो ईरा वहां पर फोटोज खींचती है अतिका की। थोड़ी देर के बाद वहां से जो लोग जा रहे रहते हैं वो उनके वो बोलते हैं कि प्लीज हमारी पिक क्लिक कर लो, और ऐसे करके वो लोग बहुत हैप्पी मोमेंट्स बिता रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जो टाइम की तरफ अतिका देखती है तो वो 12 बजने वाले रहते हैं, और उसने 12 बजे शनाया को बोला रहता है कि वो हॉस्पिटल की तरफ आइए। तभी वो ईरा की तरफ देख के बोलती है, हमें हॉस्पिटल निकलना चाहिए। तो कहती है, अभी कहाँ, अभी तो 12 बजे है और 12 बजे तो तुम मेरे साथ रहोगे ना बर्थडे मनाने के लिए। तभी अत्रिका कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ईरा, लेकिन मैंने शनाया को भी कहा था, शनाया भी मेरे साथ ही बर्थडे मनाना चाहती थी। तो कहती है, हाँ तो 12:20 में हम वहाँ चले जाएंगे, फिर वो बर्थडे बना लेगी। तो वो कहती है, प्लीज समटाइम हमें उन लोगों को भी इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो हमारे लिए बैठे रहते हैं, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड स्वीट हार्ट। अतिका बहुत प्यार से ईरा को कहती है। फिर ईरा बोलती है, नहीं दिस इज नॉट फेयर, मेरे साथ रहो बर्थडे पे, सबसे पहले मेरा हक है। तो कहती है, 12 बजे तक तुम वहां पर पहुंचाओगी तो तुम ही रहोगी मेरे पास, और पहला तुम्हारा ही हक है मेरे बर्थडे पे और तुम ही मुझे विश करोगी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तो वो कहती है कि पर आई वॉन्ट टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विथ यू ना। तो तभी अतिका ईरा की तरफ देखते हुए बोलती है, यू आर स्पेंडिंग अ क्वालिटी टाइम विथ मी, तुम अपनी बातों से मुझसे हर चीज़ें मनवाती हो, अब मेरा बर्थडे स्टार्ट होने वाला है मुझे तो कुछ दो। तो वो कहती है, ठीक है चलो, पर ये तुम बाकी सब के लिए कर रही हो या शनाया के लिए कर रही हो? मुझे शनाया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ईरा कहती है। तभी अर्पिका कहती है, मुझे पता है तुम्हें शनाया बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन क्या कर सकते हैं, अब वो भी मेरी जिंदगी का एक पार्ट है, छोटी सी है क्यूट सी है बट काफी अच्छी है, एक फ्रेंड ही तो है मेरी, और फ्रेंड को रखना कोई बुरी बात तो नहीं होती है ना।
अतिका कहती है, तबीरा कहती है, ये बात भी सही है। थोड़ी देर के बाद वो लोग कार में बैठ जाते हैं और वैसे ही लॉन्ग ड्राइव करते हैं। जब साइड में जा रहे रहते हैं तो वहाँ पर कुछ चाट मिल रहा रहता है, चाट मसाला। तो वहाँ पर अतिका एकदम से हीरा को कहती है, तुम यहाँ रोको की गाड़ी? तो हीरा बोलती है, क्यों नहीं। और वो साइड में गाड़ी रोकती है, वहाँ पर वो चाट मसाला उसे बहुत पसंद रहता है। तभी वो उसे बोलती है, ये चाट मसाला जो है प्लीज़ तुम मेरे लिए लेकर आओगी, चाट मसाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो क्या बोलते हैं ना, चने वाले जो पूरे चाट्स होते हैं वो बहुत वहाँ के फेमस रहते हैं। तो वो वहाँ के चाट उसको लाती है और देती है, और फिर गाड़ी में बैठती है और लोग जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से खा रही रहती है। थोड़ी देर में हम करीब 12:15 बजे वो लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वो लोग उतरते हैं। और उतर के जब अंदर तक जा रहे रहते तब तब 12 बज चुके रहते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं तो पूरी लाइट्स ऑफ हो जाती है एकदम से। तभी अतिका कहती है, लगता है लाइट चली गई है। वो जैसे ही अपना मोबाइल उठा के टॉर्च लाइट चालू करने वाली रहती है, वहाँ से एक स्पॉटलाइट आती है और जो अतिका के ऊपर पड़ती है। और धीरे धीरे उसके उस स्पॉटलाइट आ जैसी पहुंचती है, बाजू से एकदम से वो जो पार्टी बम्स होते हैं ना वो फूटने लग जाते हैं और उसके ऊपर पूरे पार्टी बम्स आने लगते हैं। जैसे जैसे ईरा और अतिका आगे बढ़ रहे रहते हैं वैसे वैसे पार्टी बम्स फूटते हैं। कहीं पर वो जो आजकल वो आता है ना पैरो बॉम्ब्स होते हैं, जिसमें मतलब गन से लाइट होने लगती है, वो स्टार्ट होने लग जाती है। थोड़े से बैलून्स वगैरह आजू बाजू रहते फूटते हैं। फिर वो लोग एकदम से वॉक करते हुए जाते हैं तो एक अंदर बहुत मतलब हॉस्पिटल का एक जो एक कॉरिडोर नहीं कॉन्फ्रेंस हॉल टाइप का जो रहता है वो रहता है। कॉरिडोर से होते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाते हैं। जैसे ही आते हैं वहाँ पर लिखा रहता है, हैप्पी बर्थडे टू अत्रिका अत्रिका मेहता, ऐसे करके लिखा रहता है। थोड़ी देर में जैसे अंदर जाने के बाद एक प्रोजेक्टर ऑन होता है। प्रोजेक्टर ऑन होने के बाद अत्रिका की सारी पिक्स चलने लगती है और उसमें गाना बजता है कि तेरे जैसा यार कहाँ, कैसा तेरा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। पहले स्टार्टिंग में ये गाना चल रहा रहता है, फिर थोड़ी देर के बाद मतलब बहुत प्यारी प्यारी पिक्स रहती है। अफ्रीका की हॉस्पिटल्स में बच्चों के साथ बिताई हुई पिक्स रहती है, थोड़ी मैगजीन्स में उनका जो पिक्स रहती है, थोड़े बहुत कलीग्स ने बहुत फोटोज खींची रहती है। तो ऐसे करके वो सब पिक्स को गैदर करते हैं। फिर उसके होम टाउन की पिक्स रहती है, उसके मॉम एंड डैड के साथ पिक्स रहती है, वो सारी रहती है। और जब वो पूरी पिक चल रही रहती है उसके बाद एकदम से सब लोग, जब वो पिक पीछे तो बैकग्राउंड पे पिक चल रही रहती है, फिर एकदम से सब के सब वहाँ सामने खड़े हो जाते हैं, पूरे इंटर्न्स। और वहाँ इंटर्न्स खड़े होते हैं और थोड़ा सा गैप में मतलब एक से दूर होते हैं और वहाँ पर डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग बहुत प्यार से मस्ती करते हुए डांस कर रहे रहते हैं और वो गाना रहता आज मेरा बर्थडे वो, और वो कुछ गाने चल रहे रहते हैं जो बर्थडे के ऊपर होते हैं, जिसमें जो अत्रिका के लिए ये शनाया होती है, उसके जितने भी इंटर्न्स होते हैं वो सब डांस कर रहे रहते हैं। बहुत प्यारा माहौल रहता है, एकदम हैप्पी हैप्पी जॉली टाइप का। थोड़ी देर में वहाँ जो छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं, जो चाइल्ड ट्रीटमेंट करा रहे रहते हैं और उसी हॉस्पिटल के चाइल्ड वार्ड्स में सब रहते हैं, तो वो बच्चे भी वहाँ से उठकर आ जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी खड़े हो जाते हैं। सब वो बच्चों जो रहते हैं वो अतिका को बहुत पसंद करते थे और बहुत प्यार करते थे, तो वो अतिका के लिए वहाँ पर भी वो लोग डांस करने लग जाते हैं। और जो बच्चे डांस कर रहे रहते हैं वो गाना था छोटी सी खुशी छोटी सी हंसी वाला जो सॉन्ग रहता है उस पर कर रहे रहते हैं। एंड सॉरी गाइस, मुझे सॉन्ग्स याद नहीं रहते हैं। तो वो लोग बहुत प्यार से डांस कर रहे रहते हैं, उनका एक बहुत हैप्पी मोमेंट्स हो रहा रहता है। थोड़ी देर में वहाँ से जो नर्स होती हैं, जो नाइट शिफ्ट की नर्स रहती हैं, वो लोग वहाँ पर आती हैं, वो केक लेकर आती हैं और शनाया एकदम से मैम की तरफ रोज देख के बोलती है, हैप्पी बर्थडे मैम। अतिका बहुत हैप्पी रहती है उस दिन। अतिका के जो टिम्पल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे रहते हैं
और सब काफी खुश रहते, क्योंकि आपके बर्थडे के दिन जहाँ आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो किसी के साथ, और सडनली से आके आपके लिए करी जाए। फिर वो जो प्रोजेक्टर रहता है उसमें इंटर्न्स के साथ फोटो आती है, और लास्ट में वो प्रोजेक्टर बंद करने का जब समय आता है, तब शनाया ने एक फोटो अत्रिका मैम और प्लस ईरा की फोटो डाली रहती है, और वहां पर लास्ट में लिखा था हैप्पी बर्थडे टू मैम एंड आई होप यू लाइक इट। तो तभी ईरा भी देखती है कि उसकी और अर्तिका की बहुत प्यारी फोटोज रहती है जिसमें उन दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं और बहुत प्यार से देख रहे रहते हैं, पैशनेट तरीके से आंखों में। उनकी आंखों की गहराई को अगर कोई भी देखे तो ये समझ सकेगा कि दे आर फीलिंग समथिंग फॉर ईच अदर। तो वो उसी तरीके का बहुत प्यारा सा उनका रहता है, और वो बहुत एक दूसरे को क्लोज तरीके से ऐसे देख देख रहे रहते, और उनको इस तरीके से देख के काफी अच्छी वाइब्स आ रही रहती है। तो ईरा स्माइल करने लग जाती है जब आखिरी की फोटो देखती है, तो अद्रिका शनाया की तरफ देख रही रहती है बहुत स्माइल करके। फिर शनाया एकदम से बोलती है, वो क्या है ना मैम, मैंने सोचा आपके लाइफ में जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन है उन सबको एक ही साथ गैदर किया जाए, और हमारी कोशिश यही थी कि आपकी लाइफ में हम लाइट्स भरें और कलरफुल्स टाइप्स मोमेंट्स करें, इसलिए हमने जितना हो सकता था हमने किया। आई होप यू लाइक इट, और अगर कोई कमी है तो कोई बात नहीं, अगले साल भी बर्थडे आएगा तो अगले साल आपकी सारी कमियों को हम पूरा कर देंगे, और अगले साल इससे ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि अतिका मैम उन दिनों आप मेरे साथ डांस करेंगी और बहुत प्यारा डांस करेंगी। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैंने पता किया है वो यही है कि आपको बहुत प्यारा डांस करना आता है, यू लव डांसिंग राइट। तो तभी ईरा एकदम से अतिका की तरफ देख के बोलते, आपको डांस पसंद है? तो अतिका कहती है कि हाँ मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, और एक टाइम पे मेरे लिए डांस बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो वह कहती है अच्छा, और वो एकदम से ईरा की तरफ देखते हुए पूछती है कि नहीं, शनाया की तरफ अद्रिका देखते हुए पूछती है कि तुम्हें कैसे पता मुझे डांस पसंद है? तो तभी शनाया अपनी नॉटी नजरों से उसकी तरफ करीब आते हुए बोलती है, जिसको पसंद करते हैं उसकी पसंद को भी पसंद करना पड़ता है, और साथ ही साथ उसकी पसंद के बारे में भी जानना पड़ता है मैम, इसलिए क्या कर सकते हैं, सब पता किया। वैसे वो लास्ट वाली फोटो आपने नोट करी, आपकी और ईरा मैम की साथ में वो फोटो है, हालांकि मेरा मन तो नहीं कर रहा था पर क्या करें, आपकी पसंद है तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसे बोल के चली जाती है। तभी ईरा और अतिका दिख रहे थे, ईरा को गुस्सा आ रहा रहता है कि ऐसे कैसे वो बोल सकती है ये वो, बट जैसे बोलते हैं ना कि वो कुछ ऐसे बोल नहीं सकती, तो वो कुछ भी नहीं बोलती है। थोड़ी देर के बाद केक कटिंग होती है, बच्चे आके अतिका के पास बैठते हैं, वहां से एक फोन बजना स्टार्ट हो जाता है, और वो रहता है आरफ का फोन जो ईरा के मोबाइल पे आ रहे रहते हैं। ईरा साइड में जाती है, फोन पे कनेक्ट करती है, तो वो आरफ बोलता है, तुम कहाँ हो, तुम बिना बताए कहाँ गायब हो, रात का टाइम हो गया है, 12:30 हो रहे हैं, तुम्हें घर आने का कोई होश भी है कि नहीं? अगर तुम अपने मॉम एंड डैड के घर पे भी हो तो एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही, तुम बिना बताए कहाँ गायब हो। तो कहती है, मैं बस अभी घर आ रही हूँ, वो आज अतिका का बर्थडे था तो उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में था। तो तभी आरफ एकदम से गुस्से कहता है, अतिका अतिका अतिका, अरे भैया अतिका है, बर्थडे है, ठीक है, आई एम नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम्स विथ योर फ्रेंड, बट एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, मुझे आंसर देना रहता है, मेरी माँ पूछ रही है, तुम्हारे मॉम एंड डैड का फोन आ रहा है मेरे पास, हाँ क्योंकि मेरी मॉम ने फोन लगा के ये पूछ लिया कि आपकी बेटी उधर है क्या। ईरा हैव अ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके, तुम क्या कर रही हो तुम? तो तभी आरफ के सवालों का जवाब ईरा देने के बजाय और गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम्हें क्या करना है, मैं जो भी करूँ, तुम जब करते हो तो मैं तुमसे सवाल नहीं पूछती, रात रात भर तो तुम भी गायब रहते हो ना,
12:30 बजे आना, 2 बजे आना, 2:30 बजे आना, तब तो मैं तुमसे कभी सवाल नहीं पूछा कि तुम कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ मीटिंग पे थे, क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ तो सवाल, तभी आरफ कहता है डैम इट मैं जॉब करता हूँ तो मैं लेट हो जाता हूँ, मेरी मीटिंग्स रहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और तुम लड़की हो, ओके, तुम घर की बहू हो, मैं बेटा हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो कहती बस हो गई ना, इक्वालिटी नाम की अब कोई चीज नहीं है, पार्शियलिटी तो तुमने कर ली ना, फैल रखो, मेरा मूड खराब मत करो, ऐसे कह के वो फोन रख देती है। यहाँ पे अर्तिका भी एक तरफ ईरा को देख रही रहती है, वो काफी ज्यादा टेंशन में रहती है। तो अर्तिका क्या करती है, यहाँ से आगे जाती है, ईरा के पास जाके खड़ी होती है और ईरा को बोलती है कि आर यू ओके। तो वो कहती है बस आरफ का फोन आया था। तो वो कहती है एग्जैक्टली, उसको टेंशन तो होगी ना, तुम्हारा तुम इतनी रात को गायब हो, तुमने उसे बताया नहीं कि बर्थडे वगैरह है। तो वो कहती है कि नहीं मैंने कुछ ज़रूरी नहीं समझा बताना। तब यहाँ से अफ्रीका ईरा की तरफ देख के बोलती है सुनो मेरी बात, आई नो कि तुम उसे एक अलग ही जोन में देखती हो, तुम उसे एक अलग ही जोन से देख रही हो, बट ट्रस्ट मी वो एक अच्छा लड़का है। You have to understand that he is a nice guy. He is. तुम उसे नहीं देख रही हो, उसे समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, इससे कुछ नहीं होगा, इससे तुम अपनी लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो। तुम पता है क्या कर रही हो, तुम उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं रखोगी तो तुम्हारे लिए ही लाइफ फेल हो जाएगी। अगर तुम्हें उस घर पे सरवाइव करना है तो तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ काफी अच्छे तरीके से रहना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, डिवोर्स लेना, दूर जाना, ये कोई सोल्यूशन नहीं रहता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूंगी, बट मैं ये नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी लाइफ को छोड़ के मेरे लिए डिवोर्स वगैरह करके बस मेरे साथ रहो। This is completely wrong, okay? और मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि तुम डिवोर्स लो। और अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम आरफ को छोड़ के मेरे साथ रहना चाहोगी तो इसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि आरफ एक अच्छा लड़का है। बींग अ साइकोलॉजिस्ट मैं उसे देख के बता सकती हूँ, बट उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो हमें पता करने की ज़्यादा ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, जैसे तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम्स थी। एंड अगर मेरे बर्थडे पे तुम मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहती हो तो प्लीज़ एक काम करो, पहले अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा बाउंड क्रिएट करो, क्योंकि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के साथ भी अच्छे से ही रहना पड़ेगा, वरना जिंदगी भर मुझे ये गिल्ट खाया जाएगा कि मैंने एक मैरिड वूमेन की साथ रिलेशन करके उसकी पूरी लाइफ खराब कर दी अपने सेल्फिशनेस के लिए, और ये मैं नहीं चाहती। तो ईरा, आरफ के साथ बिहेव अच्छे से करो, और अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो, मेरे साथ घूमना फिरना चाहती हो, या मेरे साथ ऑल टाइम रहना चाहती हो, तो उसके लिए तुम्हें आरफ को अपने पास और अपने करीब रखना पड़ेगा, क्योंकि आरफ ही तुम्हें आगे जाकर चीज़ों में हेल्प कर पाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये बोल के वहाँ से जो अर्तिका होती है वो टर्न हो जाती है, और टर्न होके शनाया के पास और मतलब सारे इंटर्न्स के पास आती है। और फिर अर्तिका ऐसे बोलती, गाइस थैंक यू फॉर मेकिंग माय बर्थडे सो लवली। तभी शनाया कहती, कम ऑन मैम, जस्ट वेट, आई नो यू हैव टू गो टू योर फार्म हाउस जहाँ यू वॉन्ट टू स्पेंड योर बर्थडे अलोन, बट हम जाने से पहले हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं, वो तो आप देख लो। तभी अर्तिका कहती है, बट मेरा भी तो पार्टी देना बनता है तुम लोगों को। तो वो कहते हैं, आप अपना फार्म हाउस से घूम के आओ, फिर आप हमें बेहद अच्छी वाली पार्टी देना, एंड पार्टी हम अपनी मर्जी से लेंगे, इतना तो हमारा हक बनता है ना, इंटर्न्स बोलते हैं। तभी यहाँ से जो अर्तिका होती है वो स्माइल करते हुए बोलती है, मैं एक काम करती हूँ, ठीक है, पार्टी पार्टी नहीं, और ये पार्टी तो बहुत छोटी सी चीज हो गई है, मैं तुम लोगों जो हैप्पीनेस तुम लोगों ने प्यार मुझे दिया है, मैं एवरीवन, हम एक ट्रिप पे जाएंगे,
हम घूमने चलेंगे पक्का। बट ये ट्रिप होगी थोड़ी सी लेट, क्योंकि आई थिंक गाइस तुम लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, एंड तुम लोग एग्जाम दो, एग्जाम के बाद जो वेकेशन लीव होती है उस वेकेशन लीव में से 3 से 4 दिन तुम लोगों को ट्रिप मेरी तरफ से होगी हैप्पी। तो तभी वहाँ पे सारे इंटर्न्स एकदम खुश होने लगते, बोलते यस मैम पक्का पक्का। तो तभी यहाँ से शनाया कह के बोलती है मैम वो तो 4 या 5 महीने बाद है। तो अतिका बोलती है तो 4 और 5 महीने तक का इंतजार करो ट्रिप के लिए। तो तभी शनाया बोलती है मैम आप अपने बात से मुखर तो नहीं जाओगे? तो अतिका शनाया के हाथ पे हाथ रख के बोलती है कभी नहीं, प्रॉमिस है मेरा, रहेगा हमेशा। ये बात ईरा देख रही रहती, ईरा को उसका इस तरीके से करीब आके बोलना अच्छा नहीं लगता है। पर अभी शनाया का, अभी अतिका का बर्थडे चल रहा था, तो ईरा अपने सेल्फिशनेस के चक्कर में उसके बर्थडे को स्पॉइल करे ये भी तो सही नहीं था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो बोलती है अतिका को मुझे चलना चाहिए। तो अतिका बोलती है वेट मैं ड्रॉप करूँगी तुम्हें, और आरफ से भी मैं बात कर लूंगी, वेट, ऐसे सबके सामने बोलती। तभी ईरा बोलती जरूरत नहीं है। तो तभी ईरा बोलती है, तभी अत्रिका बोलती है ईरा वेट ओके। सेकेंडली गाइस बर्थडे की ट्रीट है, मैं फार्म हाउस से आ जाऊँ मैं तुम लोग को तब दूंगी। और गिफ्ट क्या है मेरा? अत्रिका बोलती है। तभी शनाया बोलती है वेट मैं गिफ्ट लेकर आती हूँ। शनाया एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट देती है, और वो एक गिफ्ट में एक, जैसे वो लोग डॉक्टर्स रहते हैं तो डॉक्टर्स की कुछ डायरीज रहती है, पेन रहता है, और वो सब देते हैं। तो वो कहती है बहुत ब्यूटीफुल डायरी है और ये बहुत अच्छे हैं। और वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट की, एक बहुत फेमस राइटर की बुक रहती है, जो हालांकि लिमिटेड एडिशंस होता है, वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। और जो हमारी अत्रिका को वो बहुत पहले से चाहिए रहता है, तो वो बुक्स तक आ जाती है। तभी वो अतिका होती है, वो शनाया की तरफ देख के बोलती है हाउ डू यू नो दैट कि आई वॉन्ट दिस बुक? तभी सारे इंटर्न्स बोलते हैं कि मैम पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता कि ये सब चीज़ें शनाया नहीं आपके लिए पसंद करी है? तो अतिका बोलती है मुझे पता है कि जितना इसको मेरे मतलब इतना क्यूरियसिटी इसको मेरे बारे में जानने के लिए यहाँ और किसी इंटर्न्स को नहीं है। तो तभी उसकी फ्रेंड कहती है मैम क्यूरियसिटी सिर्फ जानने के लिए नहीं, बहुत कुछ करने के लिए भी है, आप मौका तो दो इसे। तभी वो अपनी फ्रेंड को मारते हुए बोलती कुछ भी मत बोल। तभी जो अतिका होती है वो समझ जाती है शनाया की तरफ देख के, और शनाया भी उसकी तरफ देख रही रहती है। थोड़ी देर में वो बोलते हैं थैंक यू फॉर दिस लवली बुक्स एंड ये डायरी वगैरह पेन सब बहुत अच्छा था। थोड़ी देर में वो वहाँ से टर्न होती है, और टर्न होके जाने ही वाली रहती है, तभी शनाया बोलती है मैम मेरा बर्थडे गिफ्ट तो लो। तो वो कहते हैं तुम्हारा ही तो था ना ये सब? तो वो कहते हैं ये सारे इंटर्न्स की तरफ से था, मतलब हम सबका, और नर्सेस प्लस यहाँ के जो हॉस्पिटल्स के जितने स्टाफ है सब ने मिल के कॉन्ट्री करके ये गिफ्ट दिया था, बट ये गिफ्ट मेरी तरफ से है। वो एक गिफ्ट देती है और वो छोटा सा बॉक्स आता है, वो उसे कहती है व्हेन यू फील सैड ओपन दिस बॉक्स इट विल बी मेक यू हैप्पी ओके। और ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है। ईरा एकदम से अतिका की तरफ देख रही रहती है और कहती है कि ये सब, तभी ईरा को बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आती है। और ईरा और अतिका वहाँ बैठे रहते हैं, और जब वो कार में बैठते हैं तब जो अतिका रहती है वो ईरा की तरफ देख के बोलती है तुम्हें ले कोई गिफ्ट नहीं लेकर आई? तभी वो कहती है इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं शायद मेरे गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे गिफ्ट की तो सिर्फ यही वैल्यू थी कि मैं अपना टाइम तुम्हें देना चाहती थी, बट आई थिंक कि वो बहुत छोटा गिफ्ट है इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। ईरा ऐसे कह देती है। तभी अत्रिका कहती है शायद हो सकता है कि उसकी वैल्यू नहीं है। तभी हम दोनों यहाँ साथ बैठे हैं। तभी वो ड्राइवर को बोलती है ईरा को, ईरा मैम को छोड़ दीजिए,
इरा वहां से अपनी कार में बैठी रहती है, उसे बहुत अपसेट फील हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे जेलसी होती है कि उसने अत्रिका के लिए ये सब कुछ नहीं किया, और कहीं ना कहीं शनाया ने वो सब चीजें कर दी, और अत्रिका के फेस पे जो स्माइल थी वो इतनी थी, और उसे कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था और गिल्टी फील हो रहा था कि वो एक्चुअल में कुछ नहीं कर पाई, मतलब अत्रिका के लिए जो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो चीजें हैं। थोड़ी देर के बाद वो वहां से जाती है, जाकर आगे जाती है, आगे आगे जाके साइड में गाड़ी लगाती है और वहां से करती है, तभी वो बोलती है वेट। वो वहां से आरफ को फोन करती है अत्रिका, और थोड़ी देर के बाद आरफ आता है, और आरफ आकर बोलता है कि हाँ, तो वो कहता है हैप्पी बर्थडे अत्रिका, तो वो कहती है थैंक यू एंड सॉरी मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाई, मैंने ही सेट करी थी एक्चुअली इरा को मेरे साथ बर्थडे पे करने की, यूजुअली हमारा पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन था तो पार्टी थी, तो मैंने उसे बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, दैट इज़ वेरी बैड कि मैंने इन्फॉर्म नहीं किया आपसे और आपसे परमिशन नहीं लिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो तभी आरफ कहता है नो नो अद्रिका इट्स ओके फाइन, वैसे परमिशन की क्या जरूरत थी यार, वो तो तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारी फ्रेंड्स पे तुम्हारा हक है, बट इसे बता देना चाहिए था, घर वालों को पता ही नहीं है और मैं भी थोड़ा मीटिंग में बिजी था तो इसलिए हुआ। तभी ईरा कहती है कि अत्रिका मुझे जाना चाहिए, तो अत्रिका बोलती है कि हाँ तुम जाओ और जाके अपने मॉम मतलब सासू माँ को अच्छे से हैंडल करना ओके। तभी वो बोल ईरा जो थी वो आरफ की तरफ देख के बोलती चले, तभी अत्रिका बोलती आरफ 2 मिनट में आएगा तुम जाओ। तभी अत्रिका आरफ से बात करती है और बोलती है देखो एक्चुअली ऐसा है कि ईरा इन दिनों थोड़ा सा अलग ही जोन में चल रही है, थोड़ा हैप्पी नहीं रहती है, वो आपको पता है जो इंसिडेंट हुए, तो कहता है हाँ मुझे पता है, बट अत्रिका मैंने वो जानबूझ के नहीं किया, मेरा कुछ इंटेंशन नहीं था, मेरी जो सेक्रेटरी है वो मेरे लिए फील करती थी, तो उस दिन जब मैं थोड़ा सा अपसेट था काम की वजह से एंड मैं थोड़ा सा था तो वो मेरे ऊपर चल गई, क्योंकि उसे पता था कि मेरी और मेरी वाइफ की मैरिड लाइफ थोड़ी सही नहीं चल रही है, और उस दिन वो जब मेरे ऊपर आ गई तो मैं उसे दूर ही करने वाला था, और वो मुझे लिप किस जब कर रही थी तभी शायद से ईरा ने देख लिया और वो हुआ। तो वो कहती है कि आई कैन अंडरस्टैंड आरफ, बट आरफ अगर तुम्हें अत्रिका के साथ अगर बहुत अच्छा रिलेशन चाहिए, आई थिंक यू वॉन्ट टू बिकम फर्स्ट फ्रेंड और अच्छा दोस्त बनो, उसके बाद तुम उसके साथ काफ़ी हम ये मिसअंडरस्टैंडिंग बाद में करेंगे, वो जो चाहती है उसे एक फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करो, शायद आगे जाके बहुत सी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, एंड आई प्रोमिस यू तुम्हारा और इरा का रिलेशन बहुत जल्दी स्मूथली आएगा, मैं ये पूरी कोशिश करूंगी। तभी आरफ बोलता है अत्रिका थैंक यू सो मच ये चीज समझने के लिए, मुझे लगा तुम्हें लगेगा कि मैं ही गलत हूँ, तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं चलती हूँ। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है स्टोरी। बाय बाय।